सांवेर उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट को हराने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। तुलसी सिलावट को हराने के लिए जीतू पटवारी पूरी जीत तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जीतू पटवारी यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जब तक किसानों को 2 लाख तक के कर्ज माफ नहीं होंगे, तुलसी सिलावट को गांव में घुसने नहीं देना। माफ होनो चाहिए कि नहीं होनो चाहिए? फिर से पूछूंगा, 2 लाख रुपया ना तक को किसान ना कर्जो माफ होनो चाहिए कि नहीं? अगर यो तुलसीराम सिलावट चुनाव पिछली सरकार में भी थो और इन्हीं सरकार में भी है, अगर यो 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ नहीं कराओगे चुनाव पहला, तो इनका गांव में घुसना दागा कहीं? तुलसीराम सिलावट 2 लाख रुपया तक को कर्जो पिछली सरकार में भी तो इन्हीं सरकार में भी है, जो माफ नहीं कराओगे चुनाव पहला, तो इनको अपन गांव में घुसना दागा कहीं? ये भैया सब दूर तुलसीराम सिलावट तक पहुंचा देना है जीतू पटवारी की बात नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं, बीजेपी की भी नहीं है, जो किसान ना की बात है। 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ नहीं होगा, किसान लठ लीनुबिया है, ध्यान रख। जीतू पटवारी लगातार सिंधिया पर भी हमलावर हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर मणिकर्णिका फिल्म का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि झांसी की रानी टाइगर का अंत। जीतू पटवारी का इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर जिंदा है के बयान पर था। फिलहाल कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी में गए नेताओं को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़े। हालांकि अंतिम फैसला तो जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।